दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत और राज ठाकरे के बीच में पिछले काफी टाइम से चली आ रही विवाद के बाद अब जो है राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे ने इससे पहले ही राज ठाकरे के ऊपर निशाना साध चुके हैं, जहां पर राज ठाकरे के द्वारा जब मस्जिद के ऊपर जो स्पीकर लगे हैं उस पर लाउड स्पीकर लगे हैं उस पर सवाल उठाए गए, तो उस पर भी आदित्य ठाकरे के द्वारा कमेंट किया गया था कि राज ठाकरे की पार्टी से जो है वो एक मरी हुई पार्टी है, राज ठाकरे उसमें जानबूझकर फिर से जान डालना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनकी इन बातों पर ध्यान ही ना दिया जाए। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में राज ठाकरे ने आज लाइव स्पीच दिया है पुणे में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से मस्जिदों के ऊपर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्जिदों के ऊपर हमला बोलते हुए सीधे सीधे राज ठाकरे ने 10 बड़े पॉइंट 10 अहम बातें रखी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि राज ठाकरे ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़ा घोषणा किया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि 5 जून को राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा घोषणा की है कि 5 जून को वो जो है अयोध्या जाएंगे और वहां पर अयोध्या जाकर अयोध्या को विजिट करेंगे। इसके साथ में ही आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों पहले यह घोषणा की गई थी शिवसेना नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के द्वारा, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि वो जल्द ही अपने नेताओं यानी शिवसेना पार्टी के कई नेताओं के साथ में अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं, अयोध्या का दौरा करेंगे। अब उन्हीं सब चीजों के बीच में अब राज ठाकरे ने भी सेम अनाउंसमेंट कर दिया है। इनके द्वारा भी सीधा सीधा बोला गया है कि जल्द ही वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या को विजिट करेंगे। बाय द वे, जैसे ही इनके द्वारा भी अयोध्या विजिट करने की बात कही गई, इस पर लोगों के द्वारा सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि शायद आदित्य ठाकरे ने जो कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था उसी का जवाब देते हुए अब राज ठाकरे ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया है। साथ में आपको बता दूं कि आज जो 10 बड़े अहम बात रखी गई है राज ठाकरे के द्वारा, उनमें से सबसे पहला बात तो उन्होंने अयोध्या जाने को लेकर बात की, दूसरा बात उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर बोला, जहां पर बोला गया कि लाउड स्पीकर से ना केवल हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी परेशानी होती है। साथ में तीसरी पॉइंट उनके द्वारा बोला गया कि घंटियों का विषय धार्मिक नहीं सामाजिक है। चौथी बात उनके द्वारा बोला गया कि वो अगर वो 5 बार चिल्लाते हैं और अजान कहते हैं तो हम भी मस्जिदों के सामने 5 बार आरती करते हैं। अगर सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर अलाउ है, हर एक मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर बजाना अलाउ है, तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कार्यकर्ताओं के लाउड स्पीकर क्यों हटाए जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने बोला मुस्लिम पत्रकार ने उनको बताया कि उनका बच्चा छोटा था और हॉर्न लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने खुद जाकर मस्जिद में लाउड स्पीकर को बंद करवाने की रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा उनके द्वारा बोला गया कि अगर हमारे जुलूसों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो हम चुप नहीं रहेंगे, देश भर के सभी हिंदू भाई तैयार रहें, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर ना करें। अगर उन्हें लगता है कि उनका धर्म देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है तो उन्हें उसी भाषा में हम जवाब भी देंगे। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया गया है राज ठाकरे के द्वारा। साथ में उनके द्वारा बोला गया है कि मैं महाराष्ट्र में शांति भंग नहीं करना चाहता लेकिन लाउड स्पीकर जरूर बजाना चाहता हूं, उनके द्वारा ये सवाल भी उठाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी टाइम से राज ठाकरे जो है शिवसेना पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनके द्वारा एनसीपी और शिवसेना के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पे इसको लेकर और क्या अपडेट आती है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।